ये आदमी इतना बड़ा छाता लेके खड़ा है। मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था, इसको छोटा सा छाता कम पड़ रहा था। इसे अविनाश यहाँ ठोका है, ये पूरा निशान अंदर तक है, बज रहा है जब चला था। जो बज रहा है ना, ये बजता ही है ये। एक और सुहानी सुबह, तो अभी सुबह का बज रहे 10 और मैं मंदिर से होके अभी आ चुका हूँ। लगभग थोड़ा ही देर हुआ होगा, ज़्यादा समय नहीं बीता है। मम्मी बोल रही है कपड़े उपड़े ऊपर छत में डालना है, क्योंकि कल शिवरात्रि था, महाशिवरात्रि था, तो बहुत बारिश गिरा है, इसीलिए अभी थोड़ा मौसम खुला हुआ है तो चल के छत में कपड़े उपड़े डालते हैं। और मेरा प्लान मेन था कि आज संडे का है तो बाहर चलते हैं, मतलब कि सुबह सुबह संडे राइड का था, लेकिन जो राइडर्स लोग थे साथ में, जो जाने वाले लड़के लोग थे, उन लोग बोले कि अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक दिन पहले प्लान बनता है। अब बारिश का मौसम था तो बोले सर लोग कि नहीं अभी देखते हैं, अभी बारिश का समय है, अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा रुक जाओ करके, जब मौसम थोड़ा सही रहेगा तब चलेंगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा आज का प्लान कैंसिल हो गया संडे राइड का। बाकी अभी कपड़े डालने के लिए छत में जाता हूँ। ये देखो घर पे कपड़े सूख रहे हैं, तार बांधा गया है, एक छोर से लेके दूसरे छोर पे तार बांधा गया है। और बाहर का मौसम दिखा देता हूँ आपको, हवा बस चल रहा है, अच्छा हवा चल रहा है और मौसम खुला हुआ है। तो चलो चलते हैं, अभी कपड़े डाल के आते हैं छत से, अपना ड्रेसअप थोड़ा चेंज करके। डालने से पहले का मौसम देख लो, क्या मस्त दिख रहा है, मौसम एकदम सही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और मैं घर पे काफ़ी सारे फूल हुए, कल चढ़ाता हूँ एक भोलेनाथ को, एक फूल चढ़ाता हूँ इन्हीं दोनों तीनों में से एक, और ये तो सबसे बड़ा हुआ है। वाह, ये हुआ था लेकिन पता नहीं ये ख़राब कैसे भीतर जा रहा है। यहाँ देखो छोटा सा कीड़ा आ गया इसमें उड़ने वाला, बाकी नया पत्ती निकल रहा है इस सब में, अच्छा दिख रहा है। इसमें तो नहीं है, इसमें है। बाकी ये इधर कोमड़ा उमड़ा हो रहा है, और ये गेंदा है ठंडी के टाइम में, ये सीजनेबल गेंदा है, ठंडी के टाइम में बस होता है, और ऐसे कोई सीज़न में नहीं होगा। मतलब इसमें गेंदा, ये पेड़ तो रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठंडी के टाइम में ही इसमें गेंदा आता है, और बाकी टाइम में नहीं आता है। तो कभी भी आप लोग हैं तो देख के लेना कि आपके घर में भी जो गेंदा आ रहा है, आप जो गेंदा फूल ले रहे हो, वो ठंडी के समय वाला है कि ऑल सीज़न वाला है, कि हर समय में आते रहेगा। चलो अब मैं कपड़ा जल्दी से डालना शुरू करता हूँ, इसको सीधा करके डालना। अभी कपड़े डाल दिया हूँ पीछे ही, ये कपड़े सारे इधर, ये दो तीन कपड़े ही है, क्योंकि बाकी कपड़े सब सूख गए थे, अंदर ही सूख गए हैं नीचे। हम लोग जहाँ सो रहे थे एकदम जैसे नॉर्मल लोग की तरह, हम लोग कपड़े अपने घर पे तार अंदर पे बिछा के कपड़े लगा दिए थे, रात भर जितना पंखा चला उतने देर में सब कपड़े सूख गए। चलो अभी नाश्ता मम्मी बना रही है, करेले की भुंजिया बना रही है, और रोटी वोटी शायद बनाएगी या पराठा। तो चलो चलते हैं, खाते पीछे हैं, पेट में हानि डालते हैं। अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, लगभग 43 मिनट और अंदर कपड़े घूम रहे गोल गोल, और जब तक का ये होगा तब तक मैं कुछ अपना काम कर लूँगा। टाइम हो रहा है अभी 11:30, मतलब 11:40 लगभग होने वाला है, तो जब तक का ये होगा तब तक का मैं अपना काम कर लूँगा। तो अभी सुबह हम लोग जा रहे हैं मार्केट,
सब्जी वब्जी सामान वामान लेके आना है, राशन वासन। 1 बज रहा है, 1:10 हो रहा है, चलते हैं जल्दी से मार्केट से सामान वामान लेके आते हैं। ये आधा अधूरा रखा हुआ है, पता नहीं कौन खाएगा इसको अभी। 120 रुपये किलो आ इस दुकान से हमारा घर का राशन वाशन जाता है, और बाकी एक और दूसरा जो मैडम का घर आप तो जानते ही होंगे, वहाँ से अलग सामान आता है। चलो अब यहाँ से घर चलते हैं। काम हो चुका है, चलते सीधा, तेज हो रहा है धीरे धीरे। यही इंदिरा मार्केट हम लोग आए हुए थे। तो गुपचुप किसी को खाने का माने आ जाना, खा लेना गुपचुप। मम्मी फिर से कुछ तो लेने गई है, सब्जी वब्जी पता नहीं क्या तो भूल गई थी मम्मी, फल वल लेने गई, सब्जी नहीं फल लेने गई है। चलो चलते जल्दी से घर, आती मम्मी तो। ये आदमी इतना बड़ा छाता लेके खड़ा है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था इसको, छोटा सा छाता कम पड़ रहा था, इसे बड़ा छाता ले लिया। मार्केट से आ चुके हैं, अब खाना वाना खाएंगे, आराम आराम करेंगे, और गाड़ी की भी कुछ कुछ समस्या है तो उसको भी थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं, क्या क्या दिक्कत आ चुकी है गाड़ी में। जो अविनाश यहाँ ठोका है, ये पूरा निशान अंदर तक है, बज रहा है जब चला रहे ना, बज रहा है, इसको खोल रहा हूँ वाइजर को। देखो जो बज रहा है ना, ये बजता ही है, ये सब है ना, ये बस्ता है, ये लॉक टूट चुका है, ये बस्ता है, पर लेकिन इसको खोलना है, ये वाला नट है ना, ये बहुत टाइट हो चुका है, इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। पुरानी वाली गाड़ी में कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ, तो इसका नंबर प्लेट थोड़ा हम लोग सुखा रहे हैं, तो इसका नंबर प्लेट वो हो गया था, उड़ गया था, रंग उड़ गया था, इसको पेंट करके ही हम लोग किए थे। बाकी ये भी एक हिस्सा है, ये बहुत मेन हिस्सा है उसका वाइजर का, ये टूट गया था, इसमें जंग वंक लग गया था, तो इसको ठीक किया। नीचे चल के दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ लगता था, इस जगह पे लगा हुआ था, यहाँ का नट ख़राब हो गया था, तो इस नट को खोला, ठीक किया हूँ, हो गया, ठीक हो गया। और मेरे सामने दोपहर का खाना आ चुका है, खाना पीना मेरा कंप्लीट हो चुका है, और बाहर बारिश तेज हो चुकी है, और हम लोग तो बाहर जाएंगे नहीं, अभी घर के ही अंदर रहेंगे और सो जाएंगे। अब खाना तो कंप्लीट हो चुका है, तो होप मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। आदमी ले रहा है ना, ये लोग सब जाके ले रहे हैं पहले।